सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज इस वीडियो के अंदर तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और ये तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सब लोगों के लिए जानना। हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ना भी जानते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैकअप के बारे में, विड्रॉल के बारे में एंड ओ कनेक्ट इज अ ट्रिगर। जी हाँ, ओ कनेक्ट इज अ ट्रिगर। आखिर ये क्या चीज है, ओ कनेक्ट इज अ ट्रिगर? आज हम इस चीज को बहुत ही डीपली समझने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली अब वीडियो तो देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब करो, हमारी नई और वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बैकअप के बारे में। बैकअप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन अवर लाइफ एज वेल एज इन अवर बिजनेस ऑल्सो। हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर बैकअप बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है। बैकअप के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बैकअप के बिना आप अपनी लाइफ को जो है सरवाइव भी नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हम बात करें हमारी पर्सनल लाइफ की, हमारे बिजनेस के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी उन लोगों के लिए जो आज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारी इनकम जो है कब आने वाली है या कब तक आ जाएगी, लगातार यही क्वेश्चन करते हैं उन लोगों को। आज एक मैं बहुत ही अच्छी चीज समझाने वाला हूं इस बैकअप के माध्यम से। बैकअप हमारी इनकम को लेकर के बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप जिस फील्ड में इस समय काम कर रहे हैं वो खुदा ना खास्ता कल आपको जो है वहां से नौकरी से निकाल दिया जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है आपके घर में या आपके ऊपर और वहां से आपको नौकरी छोड़नी पड़ सकती है या किसी कारणवश आपका बॉस आपको जो है काम से निकाल देता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो पूरी की पूरी जो इनकम है ना, वो पूरी की पूरी इनकम आपकी जीरो हो जाएगी वहां पे। और यदि आपके पास कोई दूसरा अगर बैकअप नहीं हुआ, जहां से दूसरी साइड से भी अगर आपकी इनकम आ रही हो, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से रोड पे आ जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास बैकअप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि हम जो अपनी इनकम कमाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो हम अपनी इनकम कमाते हैं उस इनकम का एक छोटा सा हिस्सा हमें बचा करके भी रखना चाहिए। जब भी आप कोई भी इनकम महीने में कमाते हैं, चाहे वो आप 10,000 कमाते हो या 20,000 कमाते हो, उसका कम से कम 10% आपको बचा करके रखना चाहिए। और इनकम के बारे में, मनी के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने अपना एक नया चैनल भी क्रिएट कर लिया है। वहां पे जाकर के आप इसके बारे में धीरे धीरे करके सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे मैं अपलोड कर रहा हूं, तो उस चैनल को भी आप अपने मोबाइल फोन के अंदर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो ये जो बैकअप है ना हमारा, ये जो बैकअप है हमारा, ये बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी इनकम का 10% अगर आप कहीं दूसरी जगह सेव करते जाते हैं, हर महीने सेव करते जाते हैं, और इमरजेंसी में कभी भी अगर आपको पैसे की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं वो 10% की जो इनकम होती है जिससे जिसको आपने आज तक हाथ नहीं लगाया, वो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो ये होता है हमारा बैकअप। इसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर भी बैकअप होता है, हमारी बचत के अंदर भी बैकअप होता है। तो आपको अपने इस बैकअप को लेकर के चलना ही पड़ेगा। ओके, सो इस बिल्कुल उसी तरीके से हमारे एज इन्फ्लुएंसर इस स्ट्रेटजी को जो है बहुत ही बेसब्री से यहां पर अपना, बहुत ही सही तरीके से यहां पर जो अपना रहे हैं। बिना बैकअप के वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिना बैकअप के वो एक कदम भी जो है आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि यहां पे हो सकता है कि एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि कभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हैकर जो हैक कर सकता है या कोई भी जो है कुछ भी हो सकता है एक क्लिक के अंदर, आपको तो पता है। लेकिन यहां पे हमारे पास बैकअप होना चाहिए। अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है एक ही बार में खत्म हो जाता है। एस सर यहां पर फुल बैकअप लेकर के चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं हमारा जो ओ कनेक्ट है उसका भी हमारे पास बैकअप है। जी हाँ, उसका भी हमारे पास बैकअप है। एस मुफारिसन ने, आप लोगों ने सुना होगा ओरोन के वेबिनार के अंदर, कि उनके पास एक एनोदर ओ कनेक्ट भी ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन वो अपने पास ही रहेगा, उनके पास ही रहेगा, वो किसी के पास नहीं आने वाला। इसके अलावा पेमेंट प्रोसेसर का बैकअप भी वो लेकर के चल रहे हैं।
आपको पता है कि हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है उस पर लगातार काम चल रहा है, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी हम किसी थर्ड पार्टी से जो है काम ले रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हमारा खुद का ही सारा का सारा काम होने वाला है। इसके अलावा और भी कई बहुत सारे उनके पास बैकअप हैं, जिससे कि ये बिजनेस पूरी तरीके से जो है बिल्कुल अपने लेवल पे जो है हमेशा आगे बढ़ता रहे, किसी भी काम में कोई भी रुकावट ना आने पाए। ये बैकअप बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी एक बैकअप नाम का एक ऑप्शन होता है। अगर आपका मोबाइल फोन किसी भी तरीके से टूट जाता है, चोरी हो जाता है या रीस्टोर हो जाता है, उसका डाटा जो है सारा डिलीट हो जाता है, तो आप वहां जाकर बैकअप कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप को बैकअप कर सकते हैं, आपने जो है क्लाउड स्टोरेज से आपने जो गूगल फोटोज होता है उसको बैकअप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें फंक्शन समझने की और सीखने की जरूरत होती है। इसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ के अंदर हर एक चीज का बैकअप लेकर के चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे विड्रॉल्स के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले चीज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप विड्रॉल्स के बारे में आखिर सोच क्या रहे हैं? क्या हमें विड्रॉल्स नहीं मिलेंगे? क्या एस्मो फारेसर हम सब लोगों को विड्रॉल्स नहीं देंगे? क्या जो हमने लोगों ने विड्रॉल्स लगा रखे हैं ये पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा? आप ये सोच रहे हैं? अगर हमें देरी हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें विड्रॉल्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले चीज हमारे दिमाग के अंदर अगर ये चीज एंटर हो चुकी है कि हमें विड्रॉल्स नहीं आ रहे हैं, विड्रॉल्स नहीं आ रहे हैं, और जब तक विड्रॉल्स नहीं आ रहे हैं तो हमको ये लगता है कि हाँ कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, हमको ये लगता है कि कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो विड्रॉल्स हैं ये आपके 110% आने ही आने हैं। आज एसएम फारेसर ने जो है पूरी तरीके से क्लियर किया है कि आपके बहुत ही जल्दी विड्रॉल्स आने हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा स्टेप है, वो भी पूरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना कि बहुत सारे बुरा मानने वाली बात नहीं है, यहां पर मैं एक बात बहुत ही कड़वी कहने वाला हूं। नीम हमेशा कड़वा होता है लेकिन गुणकारी होता है, इस बात को ध्यान रखना। नीम हमेशा कड़वा होता है लेकिन गुणकारी होता है, और जो लोग मीठे होते हैं ना, बिल्कुल मीठे होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जो है खोखला कर देंगे अंदर से, क्योंकि 2-3 मीठे लोगों से जो है मेरा पाला पड़ चुका है और उन्होंने मुझे बहुत ही तगड़ा वाला जो है धोखा दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो नीम कड़वा होता है लेकिन गुणकारी होता है। तो यहां पर जो हम विड्रॉल्स की बात करते हैं, तो अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे। आपके पास बैकअप होना चाहिए, जो जस्ट मैंने अभी पहला पॉइंट जो कवर किया है। अगर आपके पास बैकअप है आपकी इनकम का, आप कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से इनकम कमा रहे हैं, तो आप यहां पर एक साल नहीं बल्कि अगले 10 साल तक आप इंतजार कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो लोग विड्रॉल्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं और जो लोग विड्रॉल्स के बारे में सबसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं, यहां पर मल्टीपल आईडी उन्होंने ले रखी है, और शुरुआत में उनको जो उनके ब्लेसर ने जो है पता नहीं क्या बताया होगा, तो उन्होंने बहुत सारे हमारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने कर्जे पर या किसी भी और तरीके से उन्होंने पैसा उठा करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारी आईडीज वहां पर उन्होंने ले रखी है, जबकि उनके पास इतना बजट नहीं था, लेकिन अपने बजट से ओवर भी उन्होंने जो है किसी से पैसा ले लिया और अपनी आईडी को वहां पर परचेज कर लिया, अपनी एक्टिवेशन को परचेज कर लिया, यानी कि अपनी फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी को ले लिया। तो इसकी क्या जरूरत थी, सबसे पहले आप ये बताइए। यहां पे हमारे लिए एस बुफारे सर ने, माइकल विलियम सर ने एक चीज बहुत ही सीना ठोक के बताई थी कि आपके लिए एक आईडी ही यहां पर सफिशियंट है, फिर 10-10 आईडी, 20-20 आईडी लेने की क्या जरूरत है, आप संभाल पाएंगे 10-10, 20-20 आईडी को? तो यहां पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना हम लोगों के लिए कि विड्रॉल्स हमारे पास आएंगे, 100% आएंगे, और यहां पे जो ट्रैफिक की बात की जाती है वो भी, यहां पे ट्रैफिक भी आएगा, यहां पे कमीशंस भी जनरेट होंगे, प्रोडक्ट भी आएंगे, एवरीथिंग विल कम हियर। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ऐ सर इससे ज्यादा चिंतित है, इससे ज्यादा और ज्यादा एक्साइटेड है हमें इस विड्रॉल को देने के लिए। तो ये चीज एक चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, और वो है हमारा पेमेंट गेटवे, क्योंकि हमारा जो पेमेंट गेटवे है ना, जब तक ये सही तरीके से दुरुस्त नहीं हो जाता है तब तक हमारा पेमेंट जो है हमारे अकाउंट में जो है नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस पेमेंट गेटवे को सही तरीके से काम करना, सही तरीके से स्मूथ करना एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है कंपनी के सामने, क्योंकि अब जब तक ये पूरी तरीके से स्मूथ नहीं हो जाता तब तक हम कैसे आ सकता है? कहीं बीच में पेमेंट हिलक गया तो क्या होगा, कहीं पेमेंट किसी दूसरे के खाते में पहुंच गया तो क्या होगा? तो यहां पे ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, हर चीजें यहां पे सिक्वेंस में जो है लग चुकी हैं, हमें थोड़ा सा वेट करना है एंड सोच के देखो कि यदि दुनिया के अंदर पैसा नहीं होता तो दुनिया कैसी आपको लगती, कैसी आपको दिखती। तो इसलिए मैं समझ सकता हूं कि हम सब लोगों को जो है पैसे की इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और एक बार को मैं सोच रहा था कि काश इस दुनिया के अंदर ये पैसा ही
नहीं होता तो हम अपने जितनी भी चीजें हैं वो उन सारी चीजों को जो है किस तरीके से परचेज कर रहे होते, तो शायद हम ये काम कर ही नहीं पाते। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है पैसा, और पैसे के बिना हम जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अब जो मैं आपको एक स्टेप बताने वाला हूं, जो तीसरा स्टेप है वो है ओ कनेक्ट इज अ ट्रिगर। जी हाँ, ओ कनेक्ट हमारे लिए एक ट्रिगर का काम करने वाला है। ट्रिगर का मतलब आप समझते हैं, जब भी आपने कोई देखा होगा कि रेस होती है तो उसके हाथ में एक बंदूक होती है और बंदूक का जो घोड़ा होता है उसी को हम ट्रिगर कहते हैं, यानी कि जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है तो वहां से रेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा ओ कनेक्ट है ये एक एज ए ट्रिगर की तरह काम करने वाला है। ओ कनेक्ट इज ट्रिगर फॉर सेवरल अदर स्टेप्स टू बी रिलीज्ड, यानी कि हमारे आगे जितनी भी चीजें, जितनी भी स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें रिलीज होने वाली हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर साबित होने वाला है, एक चुनौती तो नहीं कह सकते इसके लिए, हमें कह सकते हैं कि हाँ रेडी सेट एंड गो। जी हाँ, इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं रेडी सेट एंड गो, यानी कि यहां से बहुत सारी चीजें हमारे बिजनेस को जो लेकर के उड़ने वाली हैं और हम पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस करने वाले हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमें अपने ओ कनेक्ट का जो न्यू वर्जन आ रहा है उसको लेकर के हमें वेट करना ही पड़ेगा। जब तक हमारा ओ कनेक्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम अपना आगे का कोई भी स्टेप पूरा नहीं कर सकते। सो आपने अगर इस लाइन को नहीं पढ़ा है तो बैक ऑफिस में जाकर के जो है इस लाइन को आप जरूर पढ़िए, बहुत ही गहरा मतलब है इसका, क्योंकि इसके बाद एक एक चीज जो रिलीज होने वाली है वो सारी की सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं। तो आपको जस्ट चिल रहना है, चिलैक्स रहना है, यानी कि चिल भी रहना है, रिलैक्स भी रहना है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो एक हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको एंजॉय करना है। लेकिन पहला वाला जो स्टेप जो मैंने बताया था उसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अपने बैकअप को लेकर के चलना है। अगर आप दुखी नहीं रहना चाहते हैं तो आपको अपना बैकअप अपनी लाइफ के अंदर और अपने बिजनेस के अंदर आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप दिन जिंदगी भर जो है टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसलिए हमें दुखी नहीं रहना, बस उस टाइम तक हमें बैकअप लेकर के चलना है जब तक हमें ऑन पैसिव से इनकम नहीं आ जाती, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सुनेट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।